नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी नाइन भारतवर्ष खबर पर आवाज से। एसजीएसटी के विरोध में ईट भट्टा एसोसिएशन करेगा धरना प्रदर्शन। ईट भट्टा एसोसिएशन 10 नवंबर को दिल्ली में करेगा धरना प्रदर्शन। रामलीला मैदान से होकर संसद तक करेगा प्रदर्शन। जीएसटी 12% करने का सरकार का कर रहे विरोध। 12% से घटाकर 5% की जाए जीएसटी की मांग को लेकर प्रदेश व्यापी दिल्ली में ईट भट्टा एसोसिएशन मांग को लेकर करेगी धरना प्रदर्शन। ईट भट्टा एसोसिएशन ने ईट निकासी पर पूर्णता लगा रखी रोक। 10 नवंबर को बड़ी संख्या में फरकाबाद से दिल्ली से पहुंचकर भट्टा मालिक प्रदर्शन में होंगे शामिल। आपको क्या कार्यक्रम है, किस बात के लिए आपने प्रेस वार्ता आयोजित किया? हम लोग जो है दिल्ली में जो हमारे जीएसटी बढ़ा दी गई 1% से 6% कर दी गई और 5% से 12% कर दी गई हमारी, उस जीएसटी के खिलाफ हम लोग 45वीं बैठक में उन्होंने बढ़ा दिए थे। 1 अप्रैल से ये सब रेट हमारे चालू हो गए 2022 में, और उसके बाद जेसीबी हमारे लिए प्रतिबंधित है, हम चला नहीं सकते। सब में जेसीबी चल सकती है, लेकिन हमारे ईट भट्टे में जो लेबर जो है बिना जेसीबी काम नहीं कर सकती है, और हमें जेसीबी प्रतिबंधित कर दी गई है। हर मिनट हमारे लिए परेशानी है। ईट का उत्पादन इस साल होगा 2023 में, ईट उत्पादन फिलहाल बंद है, कोई उत्पादन नहीं हुआ। जो पिछला ईट है वो बिक रही है, उत्पादन कोई अभी नहीं हो रहा है हमारे पूरे जनपद में, क्या पूरे ऑल इंडिया कहीं भी उत्पादन नहीं हो रहा। सब भट्टे वाले 10 नवंबर को दिल्ली में इकट्ठे हो रहे हैं रामलीला मैदान में, और वहां से संसद तक हम लोग जाएंगे। इससे पहले भी आपके 5 दिन के लिए मतलब ईट मतलब 12 सितम्बर से आप पूरी विफल नहीं, 12 सितम्बर से 17 सितम्बर तक हमारे यहाँ पूरे देश में रहा था कि हम लोग बिक्री नहीं करेंगे 6 दिन। कहीं हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं किसी बिक्री कर ली हो, वैसे ज्यादा बिक्री नहीं, ऐसी खबरें नहीं आई है। तो क्या लग रहा है कि आप लोग एक नहीं है जिसकी वजह से तो अलग अलग बिक्री बिल्कुल नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है, सब एक है। किसी जरूरतमंद को आ गया हो तो देनी पड़ गई हो अलग बात है, वरना ऐसा कहीं पर नहीं है। संगठन के खिलाफ कोई नहीं, संगठन से हटके कोई नहीं चल रहा है। हमारे जनपद में अभी तक ऐसा कोई नहीं है कि जो संगठन से हटके चल रहा हो, बल्कि इस बार ऐसे लोगों से भी हमारी मुलाकात हुई है जो हमारे जनपद के दौरे रहे, जिनसे हमने कभी संपर्क नहीं किया, उनसे संपर्क किया और उन्होंने हम लोगों के साथ में पूरी तरह से उनका आश्वासन मिला है। जैसे हमारे एक बहुत बड़े नेता हैं कल्लू यादव, हम लोग जा नहीं रहे थे और उनके पास पहुंचे, उन्होंने इतना वेलकम किया, उनका हम तो पूरी तरह संगठन साथ हैं और दिल्ली हम अपनी गाड़ियों से चलेंगे, लेके चलेंगे सबको, मतलब इतना